अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, क्या खुशबू है, क्या लुक है मटन के लिए जी। मटन लीवर अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रेवी भी क्या तैयार है। आइए देखते हैं कि हमें मटन के लिए जी बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे तैयार की जाती है। तो लास्ट लुक के लिए कसूरी मेथी और साबुत धनिया ज़ीरा डाल देंगे खुशबू के लिए। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे। जिन दोस्तों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज प्यारे से व्लॉग के साथ मटन कलेजी, इसके लिए हमने एक कप कुकिंग ऑयल डाल दिया। ऑयल को गर्म होने जाएंगे, तो इधर हमने एक टेबलस्पून नमक, गर्म मसाला आधी टेबलस्पून, लाल मिर्च, दली मिर्च, हल्दी और काली मिर्च रख ली, और ये हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया ग्रीन चिल्ली का, साथ में टमाटर का पेस्ट तैयार है, और ये मटन कलेजी मटन लीवर, इसके लिए प्याज 3 पीस बड़ी काट के रख लिए। तो ऑयल को गर्म होने देंगे, देखते हैं कि विलेज स्टाइल से कैसे मटन कलेजी तैयार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल हो गया गर्म, अभी डालेंगे 3 पीस प्याज बारीक काट के। अच्छी तरह प्याज को ब्राउन करेंगे, एक बार मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भी प्याज हो गया अच्छी तरह ब्राउन। यहाँ पे आके डाल देंगे 1 kg लेजी, इसको अच्छी तरह प्याज में 5 से 7 मिनट प्याज और ऑयल में फ्राई करेंगे। सात मिनट प्याज को फ्राई करने के बाद देखेंगे माशाल्लाह अच्छी तरह कलर चेंज हो गया कलेजी का। यहाँ पे आके अदरक लहसुन और ग्रीन चिल्ली का पेस्ट ये डाल देंगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अदरक लहसुन और ग्रीन चिल्ली को 3-4 मिनट इसको भी पकाएंगे। यहाँ पे आके मसाले डाल देंगे, अदरक लहसुन के बाद मसाले, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दो 3 मिनट फ्राई करेंगे।
मसालों ने कितना कलर छोड़ दिया। लेजी भी जितनी आप अच्छी तरह बुनाई करेंगे उतना अच्छा कलर देंगे। मसाले मिक्स हो गए प्लेटों में, यहाँ पे आके टमाटरों को पेस्ट डालेंगे लास्ट में। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पाँच मिनट के लिए कवर लगाएंगे, देखेंगे कितनी अच्छी ग्रेवी बन गई है। अभी अच्छी तरह टमाटर मिक्स हो गए हैं, यहाँ पे आके आधा गिलास पानी लगाएंगे कलेजी को गलाने के लिए। अगर कोई थोड़ा बहुत फर्क हो जाए कलेजी में तो गल भी जाएगी और आपको अच्छी तरह मिक्स करके आपको स्लो करेंगे और कवर लगा देंगे 15-20 मिनट के लिए। देखें माशाल्लाह अभी इसको मज़ीद, अभी इसमें ग्रेवी ज़्यादा है, इसको मज़ीद 5 मिनट और पकाएंगे। अगर आप ग्रेवी नहीं चाहते तो और पकाएं, अगर ग्रेवी चाहिए आपको रोटी के साथ खाने के लिए तो ऐसा चाहिए, 5 मिनट और पकाएंगे।